अब तुम्हारे साथ न्याय होकर रहेगा, तैयार हो जाओ। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक शुभ समाचार आने वाला है। जल्द ही एक बहुत बड़ा लक्ष्य तुम प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा हृदय जानता है इस क्षण तुम क्या सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे हृदय की सारी बातें जानता हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर का परमात्मा हूँ। मैं ही तुम्हें राह दिखाता हूँ। जो तुम सोच भी नहीं सकते, मेरी सोच वहाँ तक जाती है। पहला कदम तुम बढ़ाओ, फिर सफलता मैं तुम्हें दूंगा। डरो मत मेरे बच्चे, यह जीवन है। यहाँ सुख और दुख अस्थिर रूप से आते और जाते रहते हैं। ना ही तुम्हें दुख में घबराना है, ना ही तुम्हें सुख में सब कुछ भूल जाना है। तुमने जो चाहा था, अब तुम्हें मिलने जा रहा है। इसके पीछे तुम्हारा भाग्य छुपा है, तुम्हारा हित छुपा है। तुम अक्सर मुस्कुराते हो और अपने मन को शांत रखते हो। यही परिचय देता है कि तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। तुम्हारा विश्वास बढ़ते जा रहा है स्वयं पर। अब अपनी आत्मविश्वास को कम मत होने देना। यही नियति का खेल है। कभी तुमने दुविधा देखी? मेरे बच्चे, तुमने बहुत कठिन समय पार किए हैं और अब देखो जीवन में कैसे सुखद बेला आने को है। क्योंकि अब जो होने वाला है उससे तुम्हारे रोम रोम खिल उठेंगे। क्योंकि अब से एक नए समय की शुरुआत हो चुकी है। जिस लंबे समय की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वह समय अब नजदीक है। जो कुछ भी तुम्हारे आसपास है, उन सब में तुम्हें बदलाव आने लगेगा। परिवर्तन बहुत जल्द ही तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। अंक 88 लिखे और कहे, मैं तैयार हूँ ढेर सारी स्वागत खुशियों का स्वागत करने के लिए। आज का दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में दिव्य परिवर्तन लाने का एक माध्यम बनेगा। मेरे प्रिय, खुशियों ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह तुम्हारे द्वार में प्रवेश करेगा। खुशियों की लहर एक बार फिर से दौड़ने वाली है। जिन दुखों को तुमने अपने हृदय में जगह दे दी थी, अब उन दुखों का जाने का समय आ गया है। तुम भी पक्षियों की तरह अब चहकने और महकने का समय आ गया है। अब तो जीवन में नए नए दिव्य अवसर प्रवेश करने वाले हैं। 1176 लिखे कहे, मैं अपने रचनात्मक से जुड़ रहा हूँ, स्वयं से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम अपने लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत कर रहे हो। अब उस कड़ी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस सफलता को पाने के लिए तुमने दिन रात एक किए हैं,
भला वह तुम्हें कैसे नहीं प्राप्त होगा। 1111 लिखे और कहे, मेरे जीवन में दिव्य चमत्कार हो रहे हैं। आज के दिव्य संदेश को लाइक करना ना भूले, अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में जिन भी इच्छाओं को सहज के रखा था, वह सभी इच्छा तुम्हारी अवश्य ही पूर्ण होंगी। तुम जिन भी चिंताओं के भंवर में अब तक फंसे हुए हो, उन सभी चिंताओं के भंवर से तुम्हें आजादी मिलने जा रही है। तुम्हारे हृदय में जो भी कमनता मने में पसा रखी थी, उन सभी कामनाओं की पूर्ति तुम्हारी होने जा रही है, क्योंकि ये समय सभी दिव्य आत्माओं के लिए भाग्यशाली रहेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आने वाले जीवन के बारे में कभी तुम्हें कुछ भी प्रत्यक्ष पता नहीं चल पाया है, परंतु बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा सुराग मिलेगा जिससे तुम अपना भविष्य देख पाओगे। तुम्हारा इंतजार, लंबा इंतजार अब फलित होने जा रहा है। तुम्हें वह सिद्धियां प्राप्त होंगी जिसके प्रयोग से तुम अपने जीवन की सभी चिंताओं का अंत कर सकोगे। तुमने कभी तक जीवन में ध्यान प्रार्थना की है, उन सभी ध्यान प्रार्थना का तुम्हें फल अवश्य ही प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत ही करीब हो। इसी तरह लगन, निष्ठा और मेहनत से अपने कार्य को करते रहो। तुम्हारी जीत ऐतिहासिक होगी, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। 222 लिखे कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। सभी कठिनाइयाँ अब तुम्हारा साथ छोड़ने जा रही हैं, क्या तुम तैयार हो? यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करें। मेरे प्रिय, इतने लंबे समय के भंवर में तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारी नई यात्राओं की गाथाएं लिखने जा रहा है। यह समय बेहद अद्भुत है। तुम अपने जीवन में जितने भी कार्य को करोगे, वह सभी कार्य तुम्हें अच्छाई और नेक के लिए ही लेकर जाएंगे। तुम्हारा झुकाव आध्यात्मिकता की ओर पड़ने जा रहा है। तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से और अधिक गहरा हो जाएगा। सभी बुरी नकारात्मक शक्तियों का जो तुम्हारे आसपास है, उन सभी का नाश होगा। 1010 लिखे कहे, मैं अपने परमेश्वर से जुड़ने के लिए, अपना रिश्ता उनसे मजबूत करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय, अब तुम अपना संपूर्ण जीवन खुशहाली की ओर आगे बढ़ाने जा रहे हो। इस समय तुम ज्यादा से ज्यादा समय पर ध्यान दोगे, स्वयं से प्रेम करना यह कोई बुरी बात नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है।
जो स्वयं से प्रेम नहीं करता, ये दुनिया उससे प्रेम नहीं करती, इसीलिए स्वयं से प्रेम करो। ब्रह्मांड तुम्हारी जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपना संपूर्ण बल लगा रहे हैं। तुम्हें जो कामना की थी वह सब तुम्हें प्रदान किए जा रहे हैं। तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हें सही मार्ग की ओर अग्रसर कर रहा हूँ और तुम्हें आगे बढ़ाने का मार्ग दिखा रहा हूँ। परमेश्वर का सच्चा मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आरती पाठक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं सदैव ही चाहता हूँ तुम अपने जीवन में जो भी फैसला लो बहुत सोच समझ कर लो, और फैसला बहुत सही भी होना चाहिए ताकि तुम्हें बाद में किसी भी चीज के लिए कोई भी पछतावा मन में ना रहे। 444 लिखे कहे हमेशा सही फैसला और सही निर्णय ही लूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी अद्भुत योजना बनाई है जिसे पाकर तुम अपने जीवन में धन्य हो जाओगे। इन्हीं योजनाओं से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने का तलाश करोगे और अपने जीवन को एक सही पथ पर अग्रसर करोगे। तुम मेरी योजनाओं पर संदेह ना करो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो होगा वह सब तुम्हारे हित के लिए होगा। तुम अपने ऊपर आने वाले भविष्य की चिंता छोड़ दो, उन चिंताओं को मत करो। केवल अपने वर्तमान की स्थिति पर ध्यान दो। तुम आज क्या कर रहे हो, आगे की योजना तुम्हारी क्या होने वाली है, अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इस सत्य को जितनी जल्दी तुम अपनी वास्तविकता बनाओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब तक तुम्हारे पास जो भी आया है या जो कुछ भी तुम्हारे पास सहज रूप से है, आने वाले समय से उनसे भी अधिक तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम अपने जीवन में उन सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लोगे जिसे तुम आवश्यकता होंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कभी भी कुछ भी अनहित नहीं होने दूंगा। सदैव स्मरण रखना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें उस ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा जिसे देखने के लिए सभी को अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़े। तुम्हें अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए वह तुम्हें सही समय पर अवश्य ही प्राप्त होगा। अंक 6-6 लिखे और कहे मैं अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छी उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। उस परमेश्वर पर सदैव विश्वास बनाए रखे, फिर देखे कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा आकर्षित करते हो, इसीलिए अच्छा और सकारात्मक सोच रखे। यदि आप तैयार हैं तो पुष्टि करने के लिए यस अवश्य ही लिखें।
type yes if you believe divine blessings. Thank you so much.